आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, हाथ की लकीर की टिप्स। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग खुद अपने आप आपकी जो भाग्य रेखा है वो चेक कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, वो चेक कर सकते हो। मैं आज वो सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोगों के भाग्य खराब भी हुए, वो कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो वो भी सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले चलिए दिखाते हैं सुबह की बारिश का हालत, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं और सिखाते हैं। आइए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आराधिता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। अभी देखिए, पूरा रेडी हो गए हैं बेटी को लाने के लिए। और उससे पहले मैं आ गई हूँ बगीचे पर, क्योंकि कभी कभी आ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन। मुझे ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लगता है, पत्ते का, लीव्स का ग्रीन कलर। तो देखिए यहाँ पर धूप खिला है, कितना अच्छा धूप खिला है। और देखिए ऐसा लग रहा है ना, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। सुबह इतना बारिश हुई, आप लोगों को क्या बताया। और मैंने आप लोगों के लिए, यस, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप उठा के रखा है, जैसे आप लोग देख सको। सुबह ऐसा लग रहा था जैसे शाम होने वाली है, ठीक है, ऐसा क्लाउडी हो गया था वेदर और बारिश हुआ था। तो चलिए आइए दिखाते हैं। और उससे पहले आप लोगों के साथ एक बात हम शेयर करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, हाथ की लकीर की टिप्स। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग खुद अपने आप आपकी जो भाग्य रेखा है वो चेक कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, वो चेक कर सकते हो। मैं आज वो सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोगों के भाग्य खराब भी हुए, वो कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो वो भी सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले चलिए दिखाते हैं सुबह की बारिश का हालत, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं और सिखाते हैं। आइए देखिए। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर। कपड़े सूखा नहीं है मगर फिर भी गीला भी नहीं है। यही कपड़े उठा लेंगे क्योंकि बारिश आने ही वाली है। तो आवाज़ आती है ना जैसे गरजने की, वैसे ही गरजना का आवाज़ आ रही है। तो कपड़े उठा लेते हैं। और एक दो ड्रॉप हैंड पर पड़ भी रही है, तो ये कपड़े ना हल्का सूख गया है। अभी नहीं उठाएंगे तो बारिश से भीग जाएंगे ना। और गीले कपड़े घर के अंदर अगर सुखाने देंगे, इतना गंदा होता है ना, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए कपड़े उठा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बारांदा पर आ गई हूँ और यहाँ पर ही कपड़े सुखाने के लिए दे देंगे। आधा तो सूख गया है और बाकी आधा यहाँ पर ही सूखेंगे, क्योंकि बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है। चलिए बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग सारे कपड़े मैंने बारांदा पर दे दिया है सुखाने के लिए। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। मेरी बारांदा ना बहुत बड़ी है, तो देखिए यहाँ पर भी है, पीछे भी है, चारों तरफ मैंने दे दिया है। तो थोड़ा बड़ा साइज़ का है मेरी बारांदा, तो इस वजह से ना कपड़े वगैरह सूख जाते हैं। वैसे भी ये आधा सूखा हुआ है और रात भर अगर बहुत बारिश हुआ तो रात भर यहीं पर रहेगा और सुबह ये टोटली सूख जाएंगे। और बाहर की हालत हाय भगवान, आप लोगों को क्या बताएं, बहुत बारिश हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बारिश हो रही है, आप लोग खुद ही देख लो, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। हालत बहुत ही खराब है बाहर का, बहुत तेज बारिश हो रही है। पर बैठ गए हैं और आप लोगों को जैसा कि मैं बताई भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगी, आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो आपका भाग्य कैसा है, आप लोगों का गोल्डन पीरियड कब आएगा, भाग्य उदय कब होगा, ठीक है। तो चलिए सिखाते हैं। पहले आप लोगों को जानना चाहिए आप लोगों के भाग्य रेखा जो है वो कौन सी है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। देखिए आप लोगों का हैंड, देखिए लड़की लोगों का भाग्य लेफ्ट हैंड में होते हैं और लड़के लोगों का राइट हैंड में। अभी मैं तो लड़की हूँ और आप लोगों को मैं लेफ्ट हैंड के बारे में ही जानकारी दूंगी। तो ये वाला चलिए दिखाते हैं। ये वाला जो रेखा जा रही है, ये वाला नहीं, ये वाला बीच में से जो रेखा जा रही है, इसी को ही कहते हैं भाग्य रेखा।
अगर ये भाग्य रेखा सीधे शनि पर्वत, इसको शनि पर्वत कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको शनि पर्वत कहा जाता है, ये भाग्य रेखा अगर सीधे शनि पर्वत तक कोई भी डायरेक्टली चला जाए, कोई भी रेखा उसे ना काटे, जैसे इधर इधर काटते हैं ना, क्रॉस होती है या तो फिर काट जाती है या तो फिर ब्रेक होकर फिर से स्टार्ट होने लगती है, शनि पर्वत तक चली जाती है, या तो फिर किसी किसी को ना रिंग फिंगर तक भी चला जाता है, बुध, यहाँ पर बुध रहता है, बुध भी चला जाता है भाग्य रेखा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को पहले चेक करना है, अगर आप लोगों के भाग्य रेखा, जैसे मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला रेखा अगर डायरेक्टली यहाँ पर शनि पर्वत पर डायरेक्टली जा रहा है विदाउट ब्रेक, ठीक है, तो आप लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छा है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। और एक बताते हैं, अगर ये भाग्य रेखा, देखिए फिर से देखिए, ये भाग्य रेखा कभी बीच में अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, बीच में ब्रेक हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि आपके भाग्य उदय थोड़ा लेट होगा। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा लेट में आप लोगों का भाग्य उदय होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में दूसरा कोई लकीर आके इसको काट देता है, तो इस वजह से उन लोगों का थोड़ा भाग्य उदय लेट से होता है, 40 के बाद, किसी किसी के 50 के बाद होता है, ठीक। फिर से देख लीजिए, किसी किसी का भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाता है, किसी किसी का भाग्य रेखा यहाँ पर भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली अगर चले जाए तो आप लोग समझ लेना आप लोगों का भाग्य बहुत ही बढ़िया है, ठीक। अच्छा, अभी किसी किसी का भाग्य रेखा रहता ही नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, किसी किसी का भाग्य रेखा रहता ही नहीं है, एक दो लकीरें ही रहता है, किसी किसी का वो भी नहीं रहता है, तो वो लोग मुद्रासन कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, उन लोगों को मुद्रासन करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। चलिए, वो मुद्रासन भी हम सिखा दे रहे हैं, ये फिंगर और ये लिटिल फिंगर को ऐसे करना है और इनको ऐसे, बस हो गया, फिर से ऐसे ऐसे मुद्रासन डेली कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे मुद्रासन डेली करना है, ठीक है। तो डेली करने से क्या होता है, आप लोगों के हाथ में लकीरें बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और जैसे ही लकीरें बनना स्टार्ट हो जाएगी तो भाग्य उदय अपने आप होती रहेगी। ये जो भाग्य रेखा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो भाग्य रेखा है फ्रेंड्स, बनती बिगड़ती है, आज ये रेखा है, कल ये ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है, अबर नहीं भी हो सकती है, अबर यहाँ पर दूसरा लकीरें आ भी सकती है, अबर नहीं भी आ सकती है, तो भाग्य ना परिवर्तित होती रहती है। अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों का भाग्य बहुत अच्छा हो, तो आप लोग सुबह, आप लोगों जानते हो मैं क्या टिप्स देने वाली हूँ, मगर करता कोई नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, सुबह नींद से उठकर ही बेड पर ही करना है, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रगड़ना है, फिर ऐसे लकीरों को देखना है। हाँ फ्रेंड्स, ये करना ज़रूरी है। और एक बता देते हैं, हैंड्स को हमेशा साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिंग फिंगर में एक सोने की अंगूठी रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है, और ये फिंगर आप लोगों के शुभता प्रदान करती है, क्योंकि आप जब कोई भी शुभ कार्य करें तो देखिए, शादी में जब एंगेजमेंट भी होती है तभी रिंग इसी उंगली पर ही पहनाया जाता है, सो ये उंगली पर आप लोग जितनी हो सके, छोटा सा ही सही, मगर एक सोने की अंगूठी ज़रूर पहन के रहिए, इससे क्या होती है, इससे आप लोगों की भाग्य उदय होती है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने जितना जानकारी थी मुझे, मैंने टोटली आप लोगों के साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, अभी बस ड्राइवर का कॉल आ गया है, तो अभी बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा और बेटी को लाना पड़ेगा, तो चलिए वापस से बेटी को लाते हैं, और आज हम दोपहर को क्या बनाया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कितना धूप है, बाप रे बाप, चलिए अभी राहत मिल गया,
अभी बहुत शांति लग रही है। दरवाजा खोल रही है, मोबाइल। तो फ्रेंड्स घर पर आ गए हैं और मेरा खाना भी हो गया और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी मुझे। ठीक है, तो चलिए क्या बनाई आज वो शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लिप उठा कर रख दिया था मैंने, जैसे आप लोगों के साथ शेयर कर पाए। आइए दिखाते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सलाद को पानी के अंदर भिगो के रखा है जैसे सलाद बहुत अच्छे से फ्रेश रहे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आज बिरयानी बनाई है, तो देखिए